हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंभार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स लर्न बेल मैथ्स का एक्सरसाइज 14.4 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम बाकी के एक्सरसाइज 14.1, 2, 3 स्टडी करा चुके हैं और इस बुक के बाकी के यूनिट्स भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो आपको किसी भी यूनिट्स की किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से बाकी के एक्सरसाइजेज इस बुक की पॉज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने जो क्लासमेट्स हैं प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर करें। दैट इज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द टेबल शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ। यानी कि हमें इसके लिए वार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स दे रखे हैं, सुकर और बास्केटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड एंड वॉलीबॉल। ठीक है, उनके प्लेयर्स हैं कुछ स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका ग्राफ। तो बच्चों, ये है इसका ग्राफ क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्केल लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्केल लिया है, स्केल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने स्केल लिया है, 1 बिग कॉलम इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। यानी कि आपका जो ये बिग कॉलम है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको 5 स्टूडेंट के इक्वल मैंने माना है। ठीक है, तो ये वाला स्केल आपको लिखनी है और कैसे माना है। तो देखो, यहाँ पर 5 से लेके 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिया है। नीचे मैंने आपको स्पोर्ट्स लिखे हैं, ठीक है, और इस लाइन पे यानी कि वाई एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपके स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं इसको, सॉकर के जो प्लेयर्स थे, ठीक है, वो थे हमारे 46। ठीक है, तो 45 के ऊपर 2 लाइन्स लेनी है, 46। ऐसे बास्केटबॉल के प्लेयर्स थे आपके 36। ठीक है, एक मिनट, बास्केटबॉल के प्लेयर कितने थे, बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स थे वो 38 हैं। ठीक है, तो आपको 40 के नीचे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 40 के नीचे स्मॉल 4 लाइन्स छोड़नी है। ये आपका 40 है, इसके नीचे स्मॉल 4 लाइन छोड़नी है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड आपके 50 है तो आपको 50 तक लेना है। फिर है वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल भी आपके है 22। ठीक है, तो आपको, ठीक है, ये 25 और ये 20 के बीच में ये वाली लाइन है, यहाँ तक आपको लेना है 22। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ में आप इसको जूम करके और यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंग स्पान ऑफ द बर्ड इन सो फिग सोन बिलो। यानी कि बर्ड्स के जो विंग स्पान है, ठीक है, वो यहाँ पर दे रखे हैं, ड्रॉ ए बार ग्राफ। ठीक है, इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे वाइट पेलिकॉन है, एक बर्ड है, इसका विंग स्पान है 3.6 मीटर। ऐसे ही एंडर कॉन्डर है, इसका 3.2 मीटर है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, तो यह है इसका ग्राफ। इस पे जो स्केल है वो भी मैंने लिया है वाई एक्सिस पे, 1 बिग कॉलम इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो देखो, आपको ऐसे लेना है, हमारा मीटर में है लेकिन आपको पता है कि 100 मीटर से आपका 1 मीटर बनता है। ये आपका 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर है। ठीक है, अब जैसे पहला है हमारा वाइट पेलिकन 3.6, ठीक है, इसका जो विंग स्पान है वो 3.6 है, तो ये हमारा 3.5 है, ये हमारा 3 है, और 3.5 से हमें 2 लाइन्स ऊपर लेनी है। ठीक है, 3.6 आ जाएगा वाइट पेलिकन का। ऐसे आपको एंडर कॉन्डर का, ठीक है, एंडर कॉन्डर जो है वो एंडर कॉन्डर जो है वो आपके 30 से ऊपर है ना, 32 यानी कि 3.2। ठीक है,
3.2, तो आपको ये आपकी 30 वाली लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर 4 लाइंस लेनी है स्मॉल, 3.2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल तो आपका 2.5 है, तो 2.5 यानी कि 250 तक लेना है, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 मीटर में 250 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट ग्रे हीरोन है, ठीक है, वो आपको लेना है, तो ये लेना है आपको 1.5, और ये लेना है समथिंग, देखते हैं, देखते हैं इसका कितना है। इसका है 1.7, ठीक है, तो 1.7 लेना है आपको। ये सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है, आप इसको ले सकते हो, यहाँ से ऐसे जूम कर सकते हो। 1.7 आपके इस लाइन के नीचे होगा, वन लाइन नीचे। नेक्स्ट है आपका ग्रीनी, तो ये भी आपको दिख रहा है साफ, इस लाइन के जस्ट नीचे, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप और जूम करके देख सकते हो, सब कुछ क्लियरिटी से है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द वाटर कंज्यूम्ड बाई ए स्कूल ड्यूरिंग 7 डेज, यानी वीक में जितना वाटर कंज्यूम होता है एक स्कूल में, तो वो यहाँ पर गिवन है। जैसे मंडे को 8750 लीटर वाटर कंज्यूम होता है, और ट्यूजडे को इतना होता है, ऐसे करके दे रखा है। संडे को बहुत कम कंज्यूम होता है क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते नहीं है, ऐसे करके। तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, नीचे मैंने लिखा है डेज ऑफ वीक्स, ठीक है, यहाँ पे, तो ये डेज हैं, और यहाँ पे लिखा है वाटर कंज्यूम्ड इन लीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, आप देख सकते हो। मंडे को 8750 है, तो 8750 मैंने यहाँ पर जो आपका स्केल लिया है 1001 बिग बिग कॉलम का, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ऐसे करके, ठीक है। तो 8750 आपका आएगा 9000 के 2 कॉलम नीचे, ठीक है। फिर ट्यूजडे को है आपका 7500, तो 7 और 8 के बीच पर जाएगा। फिर वेडनेसडे को है आपका 7000, ठीक है। थर्सडे को है आपका 8000 और 200, ये इतना जाएगा, ठीक है। सब कुछ क्लियरिटी से दिख रहा है, आप यहाँ से बना सकते हो। सैटरडे को आपका 500 है, तो 500 आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको पॉज करके, जूम करके और ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों, इसमें इस एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और लाइक तो आप बनता ही है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे एक्सरसाइजेज के वीडियो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। जय हिंद, जय भारत।